Hello friends, perhaps all of you guys are great. Today we'll discuss about how to make Google Pay account without using ATM card. दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें बताओ कि हमारे पास अपना ATM कार्ड नहीं है और हमें Google Pay में अपना अकाउंट बनाना है, सो प्लीज़ हमें बताइए कि वो हम कैसे बनाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो YouTube पर देखने को मिल रही हैं जो कि उन्हें बता रही हैं कि आप बिना ATM कार्ड के अपना अकाउंट गूगल पे में बना सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे बनाना है। दोस्तों अगर आप भी गूगल पे में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपके पास भी अपना ATM कार्ड नहीं है, दोस्तों आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके जरिए आप गूगल पे में अपना अकाउंट बना पाएंगे और वो भी विदाउट ATM कार्ड के। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं विजिट किया तो प्लीज चैनल को एक दिन सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी या आपको वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो में अपना एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गूगल पे में दो तरह से अकाउंट बना सकते हैं, एक आप पहला अपने ATM कार्ड से, दूसरा अपने आधार कार्ड से। आपको गूगल पे में अकाउंट बनाने के लिए आपके आधार कार्ड का आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फिर ही आप अपने आधार कार्ड से गूगल पे में अकाउंट बना पाओगे। दोस्तों मैं आज आपको आपके आधार कार्ड से सिखाने वाला हूं कि आपको अपने आधार कार्ड से गूगल पे में अकाउंट कैसे बनाना है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको साइड स्क्रीन पर ऐसे स्क्रीनशॉट लगा के बताऊंगा तो आपको नहीं पता चल पाएगा, सो उसके लिए हमें अपने मोबाइल फोन की लाइव स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। सो चलते हैं अपने मोबाइल फोन की लाइव स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि कैसे हमें अपने गूगल पे में अपना अकाउंट बनाना है और वो भी विदाउट ATM कार्ड के। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जो कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की लाइव स्क्रीन पर, तो मैं जल्दी जल्दी अपने मोबाइल फोन में गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा वेलकम टू गूगल पे, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि यहाँ पर मैंने पहले भी किया था, तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा और साथ में वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में होना भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ईमेल देखने को मिल जाएगी, जो भी ईमेल आपके बैंक अकाउंट में लगी होगी वही ईमेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर वेरीफाई होगा जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरा OTP यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, तो मेरा OTP यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारे सामने गूगल पे का फर्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारे पास अपना ATM कार्ड नहीं है और हमें बिना ATM कार्ड के अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप जो भी बैंक अकाउंट अपना एंटर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट, तो आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं वेरीफाई योर बैंक अकाउंट, यू कैन चूज टू वेरीफाई यूजिंग ए डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और आधार कार्ड। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमें यहां पर दो तरह से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, एक अपने डेबिट कार्ड और ATM कार्ड से, दूसरा हमें यहां पर अपने आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहां पर अपने आधार कार्ड पर क्लिक कर लेना है। आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट आपको यहां पर टाइप करने हैं, जो कि यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं। आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये एरो देखने को मिल रही होगी, सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट UPI पिन, तो आपको यहाँ पर क्रिएट UPI पिन पर क्लिक करना है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर 6 डिजिट आधार OTP, जो कि हमारा OTP यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। आधार OTP वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर 6 डिजिट बैंक OTP, बैंक OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट 6 डिजिट UPI पिन, तो आपको यहाँ पर अपना कोई भी 6 डिजिट का आपको यहाँ पर UPI पिन सेट कर लेना है। इस 6 डिजिट UPI पिन की आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर आप किसी को पेमेंट करोगे उसमें भी आपको UPI पिन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप अपना बैलेंस चेक करना चाहोगे आगे तो फिर भी आपको UPI पिन की जरूरत पड़ेगी। सो कोई आसान सा UPI पिन आप यहाँ पर सेट कर लें। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर UPI पिन कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिंग बैंक अकाउंट, तो हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है और अब हम किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप भी बिना ATM कार्ड के अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं गूगल पे में। दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी जब वीडियो से वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो में अपना एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ भी हमसे कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम ID लिंक दिया हुआ है, सो वहाँ पे जाकर मुझे जरूर क्वेश्चन पुट कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।